अभी हम एक यहाँ पे झील में आए, बड़ा ही साफ क्लियर पानी है बिल्कुल ये। हम अब नेक्स्ट डे हम पहुंच गए थे अपने हिसार शहर। बाकी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 2 दिन बाद, एक्चुअली थके हुए थे काफ़ी, थे टायर्ड थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उधर। आए हैं, सफ़र किया है लंबा, क्योंकि एक्चुअली बड़ी झील पे घूमने के बाद हम करीबन रात को 3:30 बजे के आसपास हमने वापसी कर ली थी। तो लंबा सफ़र था, किसी को हमें छोड़ना था गुड़गांव, तो गुड़गांव फ्रेंड को छोड़ने के बाद हम आए थे हिसार। हिसार पहुँचे हम 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे से ये लगा लो कि 15 घंटे का सफ़र हो गया, जो काफ़ी लंबा था, क्योंकि गुड़गांव में भी हमें मिला बहुत लंबा जाम। तो एंट्री हमने कहीं गाँव वगैरह हम घूम घूम के करी, तो बाकी थक गए थे। तो बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो क्योंकि हालात भी ऐसे थे मतलब कि बनाने वाले नहीं थे, क्योंकि हम नहाए भी नहीं थे कहीं पर। तो ये था कि भाई चलो पहुंच जाए किसी तरह घर पे अब आराम से, क्योंकि लंबा सफ़र हो गया, 1250 किलोमीटर चली थी हमारी गाड़ी वापसी के अंदर। तो जल्दी एक नई डेस्टिनेशन पर चलेंगे अभी कहीं पे, इस बार जैसे राजस्थान का हो गया तो नेक्स्ट टूर कहीं ना कहीं पे ज़रूर पहाड़ों का लगाएंगे। पहाड़ों पे देखते कहाँ पे चलेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं है, कौन कौन जाएगा ये भी कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन जाएंगे ज़रूर। जो उदयपुर नहीं गए तो उदयपुर ज़रूर जाइए, उधर झीलों का शहर ऐसे ही नहीं कहते हैं। वहाँ पे जो हमने आखिरी में झील देखी, बड़ी झील थी, इतनी शांत झील थी, मतलब क्या कहना उसका, मतलब एक आपको रिलैक्स चाहिए ना कहीं पर, तो वो मिलेगा आपको उस बड़ी झील के ऊपर ही। वो सिर्फ मतलब 5 किलोमीटर दूर ही थी, मतलब सिटी पैलेस वगैरह से। मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको करना लाइक।